is Mishti and welcome to VKB Christmas Special. Hi, and I'm Arvi. Wishing all the viewers Merry Christmas! मिस्टी, क्या तुझे पता है हम क्रिसमस क्यों सेलिब्रेट करते हैं? हाँ, ये तो सबको पता है। क्रिसमस इज द बर्थडे ऑफ लॉर्ड जीजस। अरे हाँ, पर तुझे इसकी पूरी स्टोरी पता है? हाँ मेरी डियर फ्रेंड आरवी, चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। बहुत समय पहले नाजरत नामक एक जगह थी जहाँ मरियम नामक की एक महिला रहती थी। वह बहुत मेहनती थी और दूसरों के लिए भी अच्छी थी। वह यूसुफ नाम के एक आदमी से प्यार करती थी जो एक बहुत अच्छा युवा था। एक दिन ईश्वर ने एक संदेश के साथ गैब्रियल नामक परी को मरियम के पास भेजा। उसने उसे बताया कि ईश्वर लोगों की सहायता के लिए धरती पर एक पवित्र आत्मा भेज रहा है। वह आत्मा मैरी के बेटे के रूप में पैदा होगी और उसे यीशु नाम देना होगा। मैरी यह सुनकर चिंतित हो गई कि उसके अविवाहित होते हुए यह कैसे हो सकता है। परी ने उसे कहा कि यह ईश्वर की तरफ से एक चमत्कार होगा, तुम्हें इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। उसने यह भी बताया कि एलिजाबेथ नामक के उसके चचेरे भाई जिनके बच्चे नहीं थे, वे जॉन बेबिस्ट नाम एक बच्चे को भी जन्म देंगे जो यीशु के जन्म के लिए रास्ता तैयार करेगा। यह सुनकर मैरी ईश्वर इच्छा से सहमत हो गई। वह एलिजाबेथ से मिलने गई और 3 महीने बाद वापस लौट आई। तब तक वह गर्भवती हो चुकी थी। इससे यूसुफ चिंतित था और उसने मरियम से शादी नहीं करने के विचार शुरू कर दिए। लेकिन एक रात सोते समय एक परी यूसुफ को सपने में दिखाई दी। उसने उसे ईश्वर की इच्छा के बारे में बताया। यूसुफ अगली सुबह उठा और उसने फैसला लिया कि वह मैरी को अपनी पत्नी बना लेगा। शादी के बाद यूसुफ और मरियम बेथलहम चले गए। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वहां भीड़ बहुत थी और उनके रहने के लिए वहां कोई जगह नहीं बची। इसीलिए उन्होंने एक जानवरों के खलिहान में रहने का फैसला किया। वहीं पर मरियम ने ईश्वर के पुत्र को जन्म दिया और उसे यीशु नाम दिया। ईश्वर ने यीशु का जन्म आकाश में एक उज्जवल सितारे द्वारा संकेतित किया। दुनिया के विभिन्न हिस्सों के बुद्धिमान पुरुषों ने इस सितारे के महत्व को समझ लिया था। उन्होंने यीशु के जन्म स्थान तक पहुँचने के लिए उस तारे का पालन किया। वे बच्चे और उसके माँ बाप के लिए उपहार लेकर आए। बेथलहम के अन्य हिस्सों में जहाँ चरवाहे अपने जानवर चरा रहे थे, स्वर्गदूत उन्हें अच्छी खबर देने लगे। उन्होंने दुनिया पर पवित्र आत्मा का स्वागत करने के लिए गाने गाए और यीशु के जन्म का आनंद लिया। तब से इस दिन को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। लोग यीशु मसीह के जन्म का जश्न मनाने के लिए मध्यरात्रि में चर्च जाते हैं, उपहार का आदान प्रदान करते हैं, कैरल गाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और हर्षोल्लास से क्रिसमस मनाते हैं। वाओ मिस्टी, ये तो काफी इंफॉर्मेटिव था। वेल, ये तो ही बात स्टोरी की हमारे लिए क्रिसमस यानी सेंटा और बहुत सारे गिफ्ट्स। बट हमारा सेंटा तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। अरे आरवी, सैड क्यों होती है? बोलो।
आज से 1500 साल पहले जन्मे संत निकोलस को असली सांता और सांता का जनक माना जाता है। हालांकि संत निकोलस और जीजस के जन्म का सीधा संबंध नहीं रहा है, फिर भी आज के समय सांता क्लॉस क्रिसमस का अहम हिस्सा है। उनके बिना क्रिसमस अधूरा सा लगता है। संत निकोलस का जन्म 3री सदी में जीजस की मौत के 280 साल बाद मायरा में हुआ। वे एक रईस परिवार से थे। उन्होंने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया। बचपन से ही उनकी प्रभु यीशु में बहुत आस्था थी। वे बड़े होकर ईसाई धर्म के पुजारी और बाद में बिशप बने। उन्हें जरूरतमंदों और बच्चों को गिफ्ट्स देना बहुत अच्छा लगता था। वे अक्सर जरूरतमंदों और बच्चों को गिफ्ट्स देते थे। संत निकोलस अपने उपहार आधी रात को ही देते थे, क्योंकि उन्हें उपहार देते हुए नजर आना पसंद नहीं था। वे अपनी पहचान लोगों के सामने नहीं लाना चाहते थे। इसी कारण बच्चों को जल्दी सुला दिया जाता है। आज भी कहीं जगह ऐसा ही होता है। अगर बच्चे जल्दी नहीं सोते तो उनके सांता अंकल उन्हें उपहार देने नहीं आते हैं। संत निकोलस की दरियादिली की एक बहुत ही मशहूर कहानी है कि उन्होंने एक गरीब की मदद की जिसके पास अपनी 3 बेटियों की शादी के लिए पैसे नहीं थे और मजबूरन वह उन्हें मजदूरी और देह व्यापार के दलदल में भेज रहा था। तब निकोलस ने चुपके से उनकी 3 बेटियों की सूख रही जुराबों में सोने के सिक्कों की थैलियां रख दी और उन्हें लाचारी की जिंदगी से मुक्ति दिलाई। बस तभी से क्रिसमस की रात बच्चे इस उम्मीद के साथ अपने मोजे बाहर लटकाते हैं कि सुबह उन्हें उसमें गिफ्ट्स नजर आएंगे। इसी प्रकार फ्रांस में चिमनी पर जूते लटकाने की प्रथा भी चलती आ रही है। अरे रुको रुको, ये क्या हो रहा है? तू कौन है? मैं सांता हूँ। आप कौन हो? सांता तो मैं हूँ। नहीं सांता मैं हूँ। अरे नहीं सांता मैं हूँ भाई। नहीं सांता मैं हूँ। छोड़, क्रिसमस है, क्यों झगड़ते हैं हम? चल ठीक। जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे। थैंक यू सांता फॉर कमिंग। सांता कम एंड सिट विद अस। बोलो बच्चों, बोलो क्या चाहिए? सेंटा, आप सिर्फ ये ब्लेसिंग दीजिए कि हमारा वर्ल्ड एकदम नॉर्मल हो जाए। हाँ सेंटा, ये कोविड या उसका नया वेरिएंट ना आए और हम पहले से फ्री हो जाए। यस यस बच्चों, बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जरूर फॉलो करने होंगे, जैसे कि मास्क लगाना, सैनिटाइज करना और सोशल डिस्टेंसिंग का। सेंटा, क्रिसमस है और आप चॉकलेट और स्वीट्स ना लाए। ऐसे कैसे हो सकता है? सेंटा है और चॉकलेट्स ना लाए। थैंक यू सेंटा। मैरी क्रिसमस। थैंक यू। मैरी क्रिसमस बोलो। मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। अबे चॉकलेट। सो एवरीवन, वी होप आप सब ने हमारे साथ ये क्रिसमस बहुत एंजॉय किया होगा। सो विशिंग यू ऑल द मैरी क्रिसमस। बाय बाय, टेक केयर। वी कैन बी अ